फिरोजपुर रोड से आपको खबर दे, जहां पर रेस्क्यू 1122 दफ्तर के सामने फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। गलत सिम से आने वाली मोटरसाइकिल दो रिक्शों से टकरा गई। मॉडल टाउन मोड़ से इचरा की तरफ जाने वाले दोनों रिक्शे मोटरसाइकिल से टकरा गए। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी, 2 जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 3 जख्मियों को मौके पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस रूट क्लियर कराने के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फिरोजपुर रोड पर रेस्क्यू 1122 दफ्तर के सामने फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। गलत सिमत में आने वाले मोटरसाइकिल दो रिक्शों से टकरा गई, जबकि मॉडल टाउन मोड़ से इचरा की तरफ जाने वाले दोनों रिक्शे मोटरसाइकिल से टकरा गए हैं। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं नबील मलिक से। नबील मलिक, हादसा कैसे पेश आया और अब जख्मियों की क्या हालत है? जी, मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर जो है वो मौजूद हूँ, और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एक मामूली नोयत का ट्रैफिक हादसा पेश आया। काफी ज्यादा रश है यहाँ पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी आप देख सकते हैं काफी मुतासर है इस रोड साइड हादसे की वजह से। और वो सामने आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है इस हादसे के नतीजे में जख्मी हुआ है, जिसको फौरी तिबी इमदाद जो है वो फ्राहम की जा रही है। और ये बच्ची भी यहाँ पर ट्रैफिक हादसे के नतीजे में यहाँ पर जो है वो उस हादसे का शिकार हुई है। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इतने सवारी उतार दा सवारी उतार दा तो बंद है। अच्छा, रिक्शे वाला इधर सवारी उतार रहा था, तो आप किसके ऊपर थे? ये बच्ची से नाल है, बच्ची दस दी दस जी। बेटा बताओ क्या हुआ था? हम रिक्शे में थे, रिक्शे वाला आया था, वो यहाँ पे उसने बीच में रिक्शा करा किया हुआ, तो उसके अंदर बाइक लगी, वो रिक्शा उलट कर हमारे रिक्शे के ऊपर लगा के उसकी वजह से आपको भी चोट लगी है? हमारा रिक्शा भी उलट गया आगे जाके जी। यहाँ पर और भी इधर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजमल। ये क्या हुआ, क्या हुआ, हादसा कैसे हुआ? कॉल आई है, हमें इधर एक्सीडेंट हुआ, हम इधर आए हैं दो मिनट पहले। ये बच्चे किसके हैं? मेरे बेटे हैं। आपके बच्चे हैं? इन्होंने क्या बताया आपको? अभी तो मैं आया ही हूँ, अभी तो मैंने पकड़ा ही है इसे। बेटा क्या हुआ था आपको? ये मोटरसाइकिल पे थे कि रिक्शे पे थे? रिक्शे में थे। रिक्शे पे थे अपनी वालदा के साथ? जी जी। आप बताइए जी क्या हुआ है? जी, ये काफी गमजदा है, बच्चों की वालदा काफी गमजदा है, वो बात भी नहीं कर सक रही, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इनका जो यहाँ पर जो बच्चे जख्मी हो गए उनका बहुत दुख है। लेकिन इसके नतीजे में आप देखें कितना ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक का रश है, बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक की बहुत लंबी लाइनें लग चुकी हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो सड़क किनारे हादसा पेश है, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक मसाइल देखे जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ पर गलत रॉन्ग पार्किंग की थी, रिक्शा ड्राइवर ने यहाँ पर सवारी उतारने की कोशिश की, जिसकी वजह से पीछे रफ्तारी में आने वाली जो ट्रैफिक है उसका रिक्शे के साथ टकराव हुआ, उसके नतीजे में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। नबील मलिक, आपका।